नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। जेवीटी टेट 2019 जो जून में हुआ उसका मैथमेटिक्स पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन वीडियो मैंने बनाई है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 46 तक हमने डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आगे 46 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले समय में अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और जो पहली मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, उसको भी ज़रूर देख ले। पहले 15 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स से दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा अगर एक को -6 है तो हम इसमें अगर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही आपके पास 60 आ सकता प्लस का, तो दूसरा क्या होगा आपका -10। तो राइट आंसर इज -10। क्वेश्चन नंबर 48, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि 561 या 561, फिर हम तीन एक बारी ले रहे हैं हम तीन को। अगर एक दो साथ में ले डिजिट तो एक जीरो लगाते हैं, तीन साथ में तो एक जीरो लगाएंगे, फिर वन लगाएंगे, फिर आगे फिर तीन साथ में आ रहे हैं तो फिर एक जीरो दो जीरो फिर वन करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। दो डिजिट को एक साथ जब ले लेते हैं हम तो एक जीरो लगानी पड़ती है, या तीन को एक साथ ले रहे हैं तो दो जीरो लगानी पड़ रही है। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी 48 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49, -z² + y² - 2xy का एक गुणनखंड, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से एक बताना है कि कौन सा है इसमें नीचे वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आइए इसको कैसे करना है मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 49, इसमें x² - z² + y² - 2xy, इसमें मैंने वाई को रीअरेंज किया, एक्स और वाई को साथ में लिखा, x² + y² ये वाला प्लस यहाँ लिखा, जेड को लास्ट में लिखा और 2xy को इनके साथ लिख दिया है फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। ये बन गया a² + b² - 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा a - b² होल स्क्वायर यानी कि x - 2y का हो सके, क्योंकि यहाँ ए और बी एक्स और वाई है, जेड स्क्वायर वैसे चल रहा है। अब इसको देखो ये बन गया a² - b² जो कि होता है a + b * a - b फॉर्मूला, ठीक है। फिर इनको ब्रैकेट को खोला तो ये बन गया x - y + z, x - y - z, तो इनमें से देखो फैक्टर बन गए और ये वाला एक फैक्टर जो ये आंसर में दिया हुआ, तो ये एक्चुअल वन ऑफ फैक्टर है जो कि ऑप्शन ए में है, x - y + z। आइए देखते हैं x - y + z, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 49 में ये x - y + z ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमने एक स्फीयर है उसका रेडियस दिया, हमने वॉल्यूम निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, त्रिज्या दी हुई है हमें, तो आइए डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कैसे निकल। ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का आपका, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³, 4/3 πr³। आर हमारे पास 2d/3, इसको हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आया, डी का क्यूब किया डी क्यूब, 3 का क्यूब किया 27, ठीक है। तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई किया 8 4 32 और 27 3 81, 81 πd³, तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एट। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत सिंपल है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसके हमने फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर होगा आपका 2y-1, 2y-1 कैसे है आंसर, आइए देखते हैं। ये देखो 51 हमने इसमें फोर बाई स्क्वेयर इसमें फैक्टर बनाए, 4 - 4y को -2y 2y लिखा, कॉमन लिया 2y, अंदर आ गया 2y-1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया 2y-1, और फिर 2y-1 दो मैंने सेम यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ अंदर बच गया 2y-1, आंसर आया आपका ऑप्शन सी 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि समीकरण का हल, तो हल इसमें क्या है कि अगर हम एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे दोनों साइड बराबर आ जाए। तो देखिए पहले हम अगर हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो यहाँ वाई आपका आता है -2, लेकिन ये वाई आपका 2 है, ये वैल्यू जो होती है ना ब्रैकेट में ये 0 और 2, 0 को एक्स की वैल्यू होती है और 2 ये दूसरी वाली वाई की होती है। तो यहाँ एक्स को 0 पुट करके वाई की वैल्यू -2 आ रही है यानी कि ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। इसको देखते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे वाई की, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 4 - 2y = 4, तो इसमें आपका आ जाएगा -2y
इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी कि 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी। नहीं, जब x 4 किया तो y 0 आ गई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 52 का। क्वेश्चन रेज टू पावर, अगर माइनस वन की अगर पावर इवन हो तो वो माइनस वन का प्लस वन हो जाता है, अगर ओड हो तो वो माइनस का रहता है। तो 1000 जो है आपका पावर, इसकी इवन है इसलिए ये प्लस में हो जाएगा और आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 54 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो इनके पॉइंट हटा, 1000 हटा करके 0 हटा के ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कैसे आंसर आया। ये देखो 0 हटाई 0.01, 30 का 3 पॉइंट आ गए, यहाँ पे 51 का 0.0051 आया, इसको हमने इस तरह से लिख लिया और जमा कर दिया और आंसर है आपके पास 5.0201। आंसर ऑप्शन डी में है ये 54 का। आइए देखते हैं 5.0201 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 5.0201 आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 55, 8a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, आंसर आएगा आपका 62। कैसे आएगा आइए देखते हैं। ये देखो 8a इज इक्वल टू आपका 35 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी किया, इसको माइनस किया 8 आया, इसको प्लस किया 62 आया। 62 को हमने फिर ये 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे आया डिवाइड कर दिया, 8 से 8 कटा और 62 आपका डायरेक्टली आंसर बचा जो कि आपका आंसर ऑप्शन ए। तो 55 का आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 का अगेन आपका मल्टी, इसको प्लस करने वाला सिंपल प्लस करने का क्वेश्चन है और इसको कैसे प्लस किया है। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन, 56 अगेन आपका प्लस करने का क्वेश्चन है, आइए इसको हम प्लस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 56, इनको हमने पहले 3 को प्लस किया फिर इससे माइनस किया, 3 को प्लस किया ये आंसर आया, 3 को माइनस किया ये आया, ठीक है, सॉरी 3 को प्लस किया फिर इसको इससे माइनस कर दिया और ये आपके पास 0.46578, ये आपका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 58 को हमने सॉल्व, 57 को हमने सिंप्लीफाई करना है, 0.088 को हमने 2.2 से डिवाइड करना है। अब देखिए आइए देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। ये देखिए हमने इसको डिवाइड किया, पॉइंट को हटा के हमने 0.2 का हटा के ऊपर 10 लगा दिया, 0.008088 को हमने नीचे 1000 लगा दिया, 22 88 और ये 4/4 आ गया हमारे पास 100 और 0.04 इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन सी है। तो 57 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका क्यूब रूट निकालना है इसमें इसका, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 343 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 216, ठीक है। 343 का क्यूब रूट होता है आपका 7 और 216 का होता है आपका 6, तो 7/6 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 7.6 देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, 7.6 को हम, 7.6 को हम ऐसे फिर लिख सकते हैं 1:1/6 मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की थी यानी कि स्पीड ज्ञात करनी है हमने, ठीक है। तो आइए, डिस्टेंस होता स्पीड इनटू टाइम और स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे 240 है और टाइम हमारे पास 16 सेकंड का, इसको डिवाइड किया तो 15 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आंसर में आपका किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ हमसे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को हम 18/5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमारे पास आया 54 किलोमीटर पर आवर, पर आवर के हिसाब से, ठीक है। ये कैसे होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपका, 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर, 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकेंड, 1000/3600 को आ गया हमारे पास 10/36, 5/18, यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने जैसे ऊपर किया मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 उल्टा इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई किया था, इसलिए आंसर आया हमारा 54 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ पे ये आंसर है ऑप्शन बी, 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, 75 किलोग्राम का 3 सही 1/8% कितना बराबर होगा? ठीक है, 38 24 1 25/8, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 25/8, ठीक है जी। परसेंटेज साथ में परसेंट भी है, तो परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे हम, तो 25 कम 25 25 चौके 100, ठीक है, तो 75/8 चौके 32, ठीक है। इसको हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसको डेमोन्स्ट्रेशन दिख, ये है इसका सॉल्यूशन, 25/8 75/100। 100 हमने इसे लिखा क्योंकि परसेंटेज को हटाना था, इसलिए हमने परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगा दिया। तो ये 100 लोग काट करके आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 सही 1/32 आया, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो 60 का आंसर है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। तो ये था आपका मैथमेटिकल पार्ट जेवीटी टैट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन उसको प्रेस करते हैं, तो आगे जो मैं और आपकी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट को इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फीडबैक, कोई भी कोई मिस्टेक हो गई हो उसमें, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।